चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। यार नबील में से एक बात है क्या महमूद साहब? अरे जब हम अमीर थे तब भी ययाशी करते थे और गुर्बत में भी ययाशी कर रहे हैं। और काहे की ययाशी है? अरे देखो ना, सारा दिन हम घर पे आराम करते रहते हैं, कोई काम ही नहीं करते। घर पर बगैर कोई काम किए रहना कितना मुश्किल काम है, इसका आपको अंदाजा नहीं है। आदमी थक जाता है यार। हाँ, जैसे मैं थक गया हूँ यूँ बैठे बैठे, अब मैं लेटूंगा। यार थक तो मैं भी बहुत गया हूँ नबील। वो तो आप भी लेट जाएं यार, आपकी कौन सा ट्रेन छूट रही है? ये भी ठीक है, चलो। यार ये तो क्या मजा है। नबील तुम फिर सो रहे हो? मैं सो कहाँ रहा हूँ, कमर सीधी कर रहा हूँ यार। पुत्र तेरी कमर टेढ़ी हो गई है। और नहीं माँ जी, मैं थक गया था यार। ऐसा क्या काम कर रहे थे जो तुम थक गए हो नबील? और जानू, मैं पिछले 1 घंटे से महमूद साहब से बातें कर रहा था यार। ओह गॉड, जब भी मैं कहूँ आपके फोन का बैलेंस क्यों इतनी जल्दी खत्म हो जाता है? अरे मैं कौन सा इससे फोन पे बात कर रहा था? है? नबील उठो, ये लो पैसे और दुकान से राशन लेकर आओ। जानू तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? नबील मैंने चांदी का गुल्लक तोड़ा है। तुम्हारे पास चांदी का गुल्लक भी था और तुमने मुझे बताया नहीं? खूबसूरत बता देती तो क्या कर लेते तुम? अरे पिछले हफ्ते चांदी के अच्छे खासे रेट चढ़े हुए थे, उसी वक्त बेच देते। नबील मैं अपनी बेटी चांदी की बात कर रही हूँ, ये पैसे उसका गुल्लक तोड़ के निकाले हैं। क्या गैरत बेशरम, इस मुसीबत के वक्त में तेरी बेटी काम आ गयी पर तू किसी काम नहीं आया। हद होती है यार नबील वैसे बगैरती की भी। अब क्या ये घर बच्चों का गुल्लक तोड़ तोड़ के चलेगा? मोमो सोने का गुल्लक है कोई? माँ जी इन लोगों को कुछ भी कहना बेकार है, इन्हें आराम करने दे, हम खुद ही जाके राशन ले आते हैं। थैंक यू जानू। शट अप नबील। ओके यार नबील, हमारी बीवियों को हमारे आराम का कितना ख्याल है। बहुत महमूद साहब, हमारे मना करने के बावजूद सौदा लेने खुद चली गई हैं। वो जो लेने के लिए गई हैं वो सौदा है। हाँ जी। अच्छा जी, चलो जी, रेस्ट टाइम, रेस्ट टाइम। तो जाने मन चम्मक चलप किधर जा रही है? और मैं क्यों बताऊँ तुझे कहाँ जा रही हूँ? माँ जी वो आपको नहीं मुझे कह रहा है। इसका मतलब है तू इस कमीने को जानती है? हैं? बेशरम बेहया, तू मेरे मासूम बच्चे को धोखा दे रही है। मुझे पहले ही पता था, इसीलिए तू हमें इस मोहल्ले में लेकर आई है। What? हाँ, क्योंकि तेरा इस आदमी से चक्कर चल रहा था ना, इसीलिए तू अपने बाप को फोन नहीं कर रही ना। माँ जी आपका दिमाग खराब है क्या? अरे लड़ो मत अम्मा, मैं इसे चमक चलो बोल रहा हूँ। अम्मा मेरे को क्यों मारा? इसलिए कि तेरी नजर खराब है। पर मैंने तो तुम्हें अम्मा बोला है। और इसीलिए तो कह रही हूँ तेरी नजर खराब है घटिया आदमी। वरना तू इसको क्यों छेड़ता? इससे ज्यादा तो हसीन और ब्यूटीफुल मैं हूँ। माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं, इस लोफर से मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है, चलें। अरे ऐसे कैसे चल रही रूट के मेरी जान। अरे घटिया आदमी, छोड़ो मेरा हाथ। और लगा इस कमीने को मुंह, तू चल ना, तेरे मियाँ से ऐसी सारी शिकायतें लगाऊंगी मैं। माँ जी मैंने इसको नहीं छेड़ा, ये मुझे छेड़ा है। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। अरे कोई है जो मुझे इस आदमी से बचाएगा? जग्गू भाई, जग्गू भाई छोड़ो। ओए किसने पुकारा जग्गू दादा को? किसने? इसने। जग्गू भाई ये आदमी मुझे छेड़ा था। हमें छेड़ा था ये। ओए तू तो गया, कलमा पढ़ ले। मैं हिंदू भाई। ओए अब तो तेरी डबल कुट लगेगी साले। तेरी ऐसी की तैसी वोट छेड़ता है, मेरे मोहल्ले में छेड़ता है, लड़कियों को छेड़ता है, लड़कियों को छेड़ता है। तेरी तो भाग गया साला। ना ये आपका साला था। माँ जी आप तो चुप करें। थैंक यू जग्गू भाई। अरे तूने जग्गू को भाई बोल दिया, जग्गू भी तुझे भाई बन के दिखाएगा। भाई आज से तू जग्गू की बहन है। ओए मल्ले वालों सुन लिया है ना तुम लोगों ने, आज से जग्गू मेरा भाई है। भाई? ओ अम्मा, इसका भाई और तुम्हारा बेटा। हाँ मेरा भाई और जमीला का बेटा जग्गू। और अच्छी तरह सुन लो मल्ले वालों और जाओ ऐश करो। अम्मा अब तुम लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा ले फिर। और मुझे क्यों मार दिया माँ? भाई तूने ही तो कहा था किसी से डरने की जरूरत नहीं, तो हम तो सिर्फ तुझसे ही डरते थे इस मल्ले में। अब जग्गू भाई माँ जी की बातों को आप बुरा ना मानिएगा। हाँ अरे अम्मा बोला ऐसे 100 जूते मार सकती है जग्गू को। अच्छा ठहर जा, कितने मेरे जूते? अरे अम्मा मैं तो यूँ ही मजाक कर रहा था, तू तो सीरियस ही होगी। और सुन बहना। हाँ बोल जग्गू भाई। आज के बाद अगर तुम लोगों को कोई मसला हो ना तो जग्गू दादा को याद कर लेना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माँ जी अब हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, जग्गू दादा हमारे साथ है। हाँ, चल घर। 19 और गरीबों उठो, उठो। क्या कर रही हो मोमो? मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला रही हूँ। उठो। माँ जी क्या कर रही है? इतनी अच्छी नींद आ रही थी। और आज से तुम दोनों की सारी याशी खत्म है। अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ मैं और मनु से याशी करेंगे। खूबसूरत माँ जी। नहीं इस बार ही मैंने तुझे मनु से बोला है। यार जानू ये माँ जी को क्या हो गया? तुम लोग तो सौदा लेने गए थे ना बाहर। बस सौदा हम नहीं लाएंगे, तुम लोग लेकर आओगे अब। हाँ आज के बाद बाहर के सारे काम तुम दोनों हराम ने करने। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हम काम करेंगे तो घर की रखवाली कौन करेगा? इस घर में कौन सा खजाना दफन है जो रखवाली करनी है? और लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। पुत्र तू अपने भ्रा को फोन लगा। भ्रा को? हाँ दे फोन। अच्छा जी ये लो फोन। हाँ हेलो। हाँ भाई मैं खूबसूरत बात कर रही हूँ। हाँ आप जरा घर आ सकते हैं थोड़ी देर के लिए? ओके आ रहा है मेरा भाई। ओ जानू ये तुम्हारा भाई किधर से आ गया? अरे नबील क्या इसके पापा को हनीमून पे गए इतने साल हो गए कि इसका भाई पैदा हुआ बड़ा हुआ और अब वापस आ रहा है? भाई मैं वो साफ टाइम का पता थोड़ा लगता है यार। हाँ यार नबील वक्त से भी बरकत खत्म हो गई है। हाँ महमूद साहब अच्छा हुआ हमने जॉब नहीं की वरना हमारे रिटायरमेंट के दिन करीब होते। हो गया मेरा शेर। हाँ। किसने तंग किया मेरी बहन और माँ को? जानू तुम जाओ अंदर, जग्गू दादा आ गया। चलो अंदर। नबील जग्गू दादा मेरी ही वजह से आए हैं, उन्होंने मुझे अपनी बहन बना ली। हाँ मुझे भी। क्या जग्गू दादा फिर तो मैं आपका बहनोई हो गया। आए आराम से बैठा रहा बहनोई के बच्चे। लानत है ऐसे बहनोई पर जो मेरी बहन को खुश न रख सके। जानू मैं क्या तुम्हें खुश नहीं रखता? हाँ खुश रखते हो नबील, किसी काम के नहीं हो तुम, नौकरी तक नहीं करते, बाहर के भी काम सारे मुझे करने पड़ते हैं। ओए घटिया आदमी हो तुम दोनों, कोई काम नहीं करते हो। नहीं मंगू पुत्र। अरे तो इस घर का खर्चा कैसे चलता फिर? क्या बताऊं जग्गू भाई, पहले तो मेरे पापा पैसे भेजते थे, उसके बाद इस आदमी ने मेरा सारा जेवर बेच दिया और आज तो हद ही कर दी, मेरी बच्ची का गुल्लक भी तोड़वा दिया इसने। ओए बस कर पहला, रुलाएगी क्या जग्गू दादा को? ओए बगैर तो आज के बाद अगर तुमने मेरी माँ और बहन को तंग किया ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। मुनासिब जग्गू दादा मुनासिब। और तुम दोनों आज से नौकरी ढूंढनी शुरू करो फौरन। हमने बहुत ढूंढी है जग्गू दादा नौकरी, लेकिन नौकरी कहीं मिलती नहीं है। मतलब तो कोई छोटा मोटा काम ही कर लो। क्या काम करे जग्गू भाई? अबे किसी दुकान पे जाके बैठ जाओ। जग्गू भाई ऐसे कैसे किसी की दुकान पे जाके बैठ जाए? जग्गू भाई आप ही इन दोनों से कोई काम करवाए ना। फिक्र ना कर बहना, जग्गू दादा की दुकान है इस मोहल्ले में, आज से और अभी से इन दोनों को उसी दुकान पे बिठा देता हूँ मैं। चलो भाई आज से तुम दोनों जग्गू की दुकान संभालोगे, जग्गू दादा की। चलो महमूद साहब आप जरा जग्गू दादा के साथ जाएं, मैं जरा नहा नू के आता हूँ। अरे तुझे अफसर नहीं लगाना, परचून की दुकान पे बिठाना है। ऐसी चल एहतियात नहा रहा था। और तू चल ले। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा। ओके माँ जी ठीक है मेरी बहन, रब रखा। थैंक यू जग्गू भाई। हाँ माँ जी अब हमारे मियाँ काम करेंगे। हाँ जी। हाँ भाई सलाम जग्गू दादा। वालेकुम सलाम। सुना कैसा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है। चल भी चल, तू भी चलता बन। क्या मतलब जग्गू दादा? तू अपने लिए कोई और दुकान ढूंढ ले, आज से मेरी दुकान को ये दोनों संभालेंगे। तो फिर मेरा क्या होगा जग्गू दादा? अरे तेरा क्या ठेका ले रखा है जग्गू दादा ने? और तू क्या जग्गू दादा की मुंह बोली बहन का मियाँ है? नहीं चल यहाँ से निकल, मुझे गले पे बैठने दे। चल हाँ हाँ चल चल चल। हाँ मेरे साथ चल चल चल। हमें बैठने दे गल्ले पे, चल निकल। हाँ भाई मिल गया ना तुम लोगों को काम। लेकिन जगू दादा आपने काम तो बताया ही नहीं है? हाँ जगू दादा, यहाँ बैठकर करना क्या होगा? अबे यहाँ बैठकर मोटरसाइकिल चलाएगा क्या? सौदा बेच साले, सौदा। अरे जगू दादा साला ये नहीं है, साले आप है इसके। हाँ साले, सॉरी जगू दादा। अरे यहाँ ईमानदारी से काम करना, ये जगू दादा की दुकान है, यहाँ हेरा फेरी नहीं चलेगी। कैसी बातें कर रहे हैं जगू दादा, इसीलिए तो मैंने महमूद साहब को गले पे बैठने नहीं दिया। आप बेफिक्र हो जाए। हाँ हाँ आप बेफिक्र हो जाए, यूँ समझे कि आपकी दुकान हमारी दुकान। मैं तुम लोगों की क्यों समझूं, मेरी दुकान है, मेरी समझ मेरी। ओके जगू भाई, चलो फिर मैं शाम को चक्कर लगाऊंगा। ठीक है ठीक है, काम करो। ठीक है नबील यार, यहाँ तो कोई लेटने की जगह भी नहीं है, हम बैठे बैठे करेंगे क्या? अरे महमूद साहब बैठ के हम लूडो खेलेंगे। वो जो हम खेलेंगे वो लूडो होगी। हाँ जी, तो निकालो फिर। हाँ जानू, राशन मिल गया? हाँ नबील। जानू रात को तुमने मेरे लिए ना दाल चावल बनाने हैं। ठीक है नबील। जानू 6 कस्टमर ना 7 इकट्ठे ही आ गए हैं। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। आए माँ जी, रात के खाने की तैयारी करते हैं। हाँ ठीक है, तू खाना बना, मैं तैयार होती हूँ। क्या? हाँ चले मेरे साथ खाना बनाए। चलो ना नबील, बारी चलो। मैं तो अपनी बारी चलने लगा हूँ महमूद साहब, मेरी गोट तो आ गई, आप लूडो खेले। हेलो हेलो, मुझे कुछ सामान चाहिए था। कुछ क्या, सब कुछ ले जाएं, आप ही की तो दुकान है। लाइन मार रहा है मुझे? जी जी बिल्कुल। वाह बात है तुझमें, तो फिर बात करें ना। सामान सामान मैं पैक करवा देता हूँ। हाँ भाई शरफू, आटा दाल चावल सब कुछ पैक करो। अरे कहाँ है शरफू? अरे शरफू तुम, बूढ़ा मुलाजिम रखने का यही नुकसान होता है, अपना नाम तक भूल जाता है। चलो मालकिन के लिए सामान पैक करो। चलो 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 चलो। ये तेरी दुकान है? अब तो आप अपनी ही समझे। आइसक्रीम खाएंगी? इस दुकान में आइसक्रीम भी है? नहीं नहीं, इस दुकान में नहीं है, साथ वाली दुकान से लेके खाते हैं, जब तक ये बाबा जो है सामान भी पैक कर लेगा। चल ठीक है, अभी आइसक्रीम खाने चलते हैं। शरफू मैं जरा आइसक्रीम खा के आ रहा हूँ, तुम जरा मालकन का सामान पैक करो, मैं आता हूँ। ज़्यादा हे नहीं करना। अरे सामान तो तेरा सारा पैक हो गया मेरे मालिक। अरे तू जग्गू दादा की मंगेतर के साथ आइसक्रीम खाने जा रहा है ना, अब तुझे जग्गू दादा ही बताएगा। आप आइसक्रीम खाती हुई कितनी अच्छी लग रही है। खाएं खाएं खाएं, और लेके आऊं आइसक्रीम? नहीं नहीं, गला खराब हो जाएगा। तो मैं आपको शाम को सूप पिला देता हूँ, आज चिकन कॉर्न सूप। बड़े पैसे हैं तेरे पास? अरे पैसा तो बहुत बड़ा है मेरे पास, 1000 का इतना बड़ा नोट है, बस कोई लौटाने वाली चाहिए। मैं हूँ ना, मैं लौटाऊंगी। क्या आप सचमुच मेरी दौलत लौटाएंगी? हाँ हाँ, मुझे तो बड़ा शौक है दूसरों के पैसे खर्च करने का। अरे पैसों की परवाह किसको है, एक आइसक्रीम और लाऊं? नहीं नहीं मैं चलती हूँ, घर जाके मुझे खाना भी तो बनाना है। चले आपका राशन पैक हो गया का, आ जाए। हाँ भाई शरफू, सामान तैयार हो गया बेगम साहिबा का? जी मेरे मालिक, सारा सामान तैयार हो गया। अरे लाओ ना दो फिर। ये ले, कहे तो मैं घर तक छोड़ दो। नहीं नहीं, इतना सामान है मैं खुद ही उठा लूंगी। अरे सामान तो खैर आप खुद ही उठाएंगी, मैं तो आपको घर तक छोड़ने की बात कर रहा था। नहीं नहीं ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय बाय बाय। हाय 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 महमूद साहब, क्या लड़की है यार। अबे रहने दो, बस करो, शरफू कहो शरफू। अरे यार मामू साहब क्या हो गया ये यार, आपका पहले इतना बड़ा मुंह है, ऊपर से जब आप बुरा मानते हो तो यहाँ तक आ जाता है। अरे चुप करो, ज्यादा बकवास नहीं करो तुम। और सब बातें छोड़े महमूद साहब, आपने एक बात का ख्याल रखना है, जब भी ये लड़की हमारी दुकान पे आए इसे मुफ्त राशन देना है। और जग्गू दादा को क्या बोलना है? अरे उस जग्गू के बच्चे को देख लूंगा मैं। अच्छा हाँ नबील, तुम इस लड़की को जानते हो? हाँ हाँ महमूद साहब, ये आपकी होने वाली दूसरी बहू है। वो जो ये लड़की मेरी होने वाली है वो दूसरी बहू है? हाँ जी। अच्छा जी। हाय। ऐसे माँ जी, हमें अपने शोहरों को घर पर देखने की इतनी आदत हो गई थी कि आज वो घर पे नहीं है तो कितना अजीब सा लग रहा है ना। हाय पुत्र, मुझे तो मुनव्वर बड़ा याद आ रहा है। कौन मुनव्वर? पीतल का अब्बा। आपके बेटे का नाम सोना है माँ जी। हाँ, मुझे सोने का अब्बा मुदस्सर बड़ा याद आ रहा है। मुदस्सर नहीं, महमूद। कौन महमूद? आपके मियाँ यार। वो तो मेरे मियाँ का नाम महमूद है। इससे कमाल करती है आप माँ जी। मियाँ आपको याद आ रहा है लेकिन मियाँ का नाम नहीं। चले अच्छा है ना, दिल लगाकर काम तो कर रहे हैं। मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी नबील की है कि वो पहली दफा मेहनत तो कर रहा है। यार नबील, यहाँ तो बहुत बोरियत है यार। सुबह से सिर्फ 3 बच्चे आए गोलियाँ टॉफियाँ लेने के लिए। वो भी तो आई थी राशन लेने। जी, मुफ्त में लेके चली गई है। यार महमूद साहब, अब मैं उससे पैसे लेता हुआ अच्छा लगता हूँ? अरे इस तरह कैसे चलेगा नबील, मैं इस तरह ज्यादा दिन दुकान पे नहीं बैठ सकता। मैं तो अब सारी जिंदगी इस दुकान पर बैठ सकता हूँ महमूद साहब। हाँ महमूद साहब, मुझे लगता है उस लड़की को मुझसे मोहब्बत होगी। क्या? हाँ महमूद साहब, वो पहली नजर में मुझे अपना दिल दे चुकी। अरे नबील बस कर दो भाई। महमूद साहब वो देखें फिर आ रही है। हो गई छुट्टी। हेलो, वो मुझे बैलेंस लोड करवाना है। बस इतनी सी बात? अभी कर देता हूँ। अपना नंबर बताएं। शरफू, तुम कानों में उंगलियाँ डालो। मेरा इनसे इतना मजाक नहीं है कि मैं ये करूँ। ओ शरफू के बच्चे, अपने कानों में उंगलियाँ ठूसो। पूरे 500 रुपए का बैलेंस लोड कर दिया है मैंने आपको, और अपने मोबाइल से मिस्ड कॉल भी दे दी है आपने। अब रात को मुझे कॉल करनी है। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। बाय। महमूद साहब, अगर मुझे पता होता कि परचून की दुकान में इतना फायदा होता है तो मैं बुलबुले के पहले एपिसोड में ही परचून की दुकान खोल लेता। मुझे तुम बुलबुले के पहले ही एपिसोड में खोल लेते, वो परचून की दुकान होती। हाँ जी। अच्छा, मेरी लैला किधर? आजकल लिफ्ट ही नहीं करवा रही। ख्याल आ गया तुझे मेरा? अब तक नाराज है? फोन क्यों नहीं किया मुझे? बैलेंस नहीं था फोन में। अरे तो चल अभी बैलेंस लोड करवा देता हूँ। वो मैंने किसी से करवा लिया। क्या? हाँ, तुझे तो मेरा ख्याल था नहीं। उसने बैलेंस भी डलवा दिया और घर में राशन भी। अबे किसकी बात कर रही है तू? किसकी हिम्मत जो डायरेक्ट जग्गू दादा से पंगा ले? आंखें निकाल दूंगा साले की। हाँ तो फिर जाके निकाल दे आंखें उसकी। किसकी? वही जिसको तू अपनी दुकान पर बिठा कर आया है। क्या? हाँ, लौंडिया देख के मुफ्त में राशन बांट रहा है। ठरकी साला, उसकी ये जुर्रत। चल मेरे साथ, मैं भी तो देखूं कि जग्गू को कैसे चूना लगा रहा है वो। चल। महमूद साहब, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। हो सकता है आपकी बहू कुछ लेने आए। खबरदार अगर आपने उससे पैसे लिए। ठीक है, आ रहा हूँ। सुनिए, आप फिर कुछ लेने आ गई? हाँ, वो मैं बेसन लेना भूल गई। अरे तो आप मुझे फोन कर देती, मैं खुद आपके घर पे पहुंचा देता। लेकिन आप मुझे फोन कैसे करती? मैंने तो आपको अपना नंबर दिया ही नहीं है। चले मैं अभी दे देता हूँ आपको। अरे गोली मारे उसे। क्या? एक बात कहूँ आपसे, आप मुझे ना किसी अच्छे खानदान की लगती हैं। ऐसे घटिया लोगों को मुँह नहीं लगाना चाहिए। ऐसे घटिया? अरे नहीं भाई, नबील और जग्गू जैसे घटिया लोग। जग्गू मेरा मंगेतर है। अरे एक नंबर का बदमाश है। आप जैसी मासूम लड़की उसके साथ जचती नहीं है। आपको तो मेरे ऐसा कोई नेक और शरीफ आदमी मिलना चाहिए। जी? अच्छा छोड़े ना ये बातें, ये तो हम रात को फोन पे भी कर सकते हैं। आप ये बताइए आपको सामान क्या चाहिए? मैं खुद आपके घर पहुंचा दूंगा। पहुंचाऊंगा तो मैं तुझे साले, वो भी ऊपर। जग्गू दादा। अबे कमीने, मेरी दुकान का माल मेरी ही मंगेतर पर लौटा रहा तू। हाँ नहीं जग्गू दादा, वो जान से मार दूंगा तुझे कमीने। जगू दादा, हेलो जगू दादा, ये क्या हो रहा है साहब? नबील, नबील मुझे बचा लो। ये साला मेरी मंगेतर को मुफ्त में सामान दे देकर पटाने की कोशिश कर रहा था। आपकी मंगेतर? हाँ। ये क्या बेगैरत बेशरम आदमी? जगू दादा ने हमारी बीवियों को बहन बनाया और तू उन्हीं की मंगेतर में डोरा डाल रहा है। ये लड़की मेरी बहन है। बहन, मेरी बहन को कुछ छेड़े मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे जगू दादा, आप देख क्या रहे हैं? इससे पहले कि इस बेगैरत का खून मेरे हाथों हो जाए, इसकी कोट लगाएं। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबा। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबा। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबा। बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस बार की देखी जाएगी पर उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा।